परी का जादुई साबुन। बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में दो बहनें कोमल और अंजू नाम की दो बहनें रहा करती थी। वो दोनों अपनी माँ सुजाता और पिता मोहन के साथ रहते थे। कोमल को छोड़कर सभी हंसी खुशी से रहते थे। कोमल अंजू से बड़ी थी। वो बहुत ही गोरी थी। उसकी नीली नीली आंखें और सुंदर घने बाल और ऊपर से उसका गोरा चेहरा, वो बहुत खूबसूरत थी। और अपनी खूबसूरती के लिए ही अंजू बहुत घमंड किया करती थी। और अंजू अपनी बड़ी बहन कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कोमल काली थी। और अंजू यही सोचती थी कि अगर अंजू कोमल के साथ रहे तो उसका रंग भी काला हो जाएगा। कोमल स्वभाव से बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, और जब सब उसको उसके काले रंग के लिए चिढ़ाते तो वो बस यही सोचती कि खूबसूरती इंसान की पहचान नहीं होती, उसका दिल साफ होना चाहिए। और इसी तरह वो सबकी बातों को नज़रअंदाज करती थी। वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती थी कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। सुजाता और मोहन भी बेचारी कोमल को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो कोमल का रंग काला और उन दोनों को बस इसी बात का डर लगा रहता था कि जब कोमल बड़ी होगी तो उसे कोई शादी करेगा भी या नहीं, जिस वजह से कोमल के माता पिता भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। कोमल अकेली रहती थी और अब उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे अपनों में प्यार होता है वैसा प्यार अंजू को कोमल से नहीं करती थी। कोमल ने हमेशा ही अंजू को अपनी बहन माना, लेकिन वही अंजू ने हमेशा ही कोमल को उसके कालेपन के लिए चिढ़ाया। कोमल को बुरा तो बहुत लगता, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती। वो घर में सबको अपना ही मानती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन सभी लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अब कोमल को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अंजू को सुजाता लोरी गाकर सुलाती थी और उसके कुछ भी कहने पर वो चीज तुरंत ही उसके सामने लाकर रख देती थी, वो भी चाहती थी कि उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, रात में लोरी गाकर सुनाए, पर ये सब कोमल के नसीब में कहाँ था। कोमल का जब मन करता वो खाना खा लेती, और जब उसका मन नहीं करता वो भूखे पेट ही सो जाती। और किसी तरह कोमल अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की खुशी नहीं थी। आस पड़ोस के भी लोग बस यही कहते कि अरे इस लड़की को देखो, कितनी काली लड़की है, इसे कोई शादी भी नहीं करेगा। हाँ बहन, इतनी काली लड़की है, इसकी बहन को देखा है, वो कितनी गोरी है। मुझे तो लगता है ये काली लड़की उसकी बहन नहीं है, क्योंकि कहाँ वो कितनी गोरी लड़की और ये कहाँ इतनी काली लड़की। सब लोगों की बातें सुनकर कोमल का मन उदास हो जाता है, पर अब कोमल अपनी उदास जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो हर रोज सोचती कि वो कहीं जाकर आत्महत्या कर ले, क्योंकि वैसे भी अगर कोमल कहीं चली जाती तो कोमल के माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बहुत खुश हो जाते। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये गलत है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन नदी के पास जाती है और अब उसने ये ठान लिया था कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। और वो ऐसा सोचकर नदी में कूदने जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, ये गलत कदम मत उठाओ कोमल, इसमें तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारे माता पिता का भी। नहीं, शायद इसमें मेरे माता पिता को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊं। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ गलत तो किया है, उन्हें इस तरह तुम्हारे कालेपन के लिए ताने नहीं मारना चाहिए। अब मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं कि जिस तरह अंजू को सारी चीजें मिलती है उसके कहने पर तुरंत ही वो चीज आ जाती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रही हो कोमल, ऐसा मत कहो, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएगी और तुम भी खुशी से रहोगी। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना काला बनाकर क्यों भेजा, इसी की वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं भी अंजू की तरह गोरी और खूबसूरत होती। तुम भी चाहती हो ना कि तुम खूबसूरत हो जाओ, तो ये लो जादुई साबुन, अगर तुम इससे मुँह धो लोगी
तो तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा। पर याद रखना, इस साबुन को तुम्हें एक ही बार इस्तेमाल करना है, और अगर इसको किसी गोरे इंसान ने लगाया तो वो काला हो जाएगा, और अगर किसी काले इंसान इस साबुन को लगाया तो वो गोरा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा और तुम अभी घर लौट जाओ, और आज के बाद कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना। अब तुम जाओ और इस साबुन से मुंह धो लेना, और मैंने जो भी बातें बताई है उसे याद रखना। हाँ ठीक है, मैं इन सारी बातों को याद रखूंगी। फिर परी वहाँ से कोमल को साबुन देकर चली जाती है। कोमल भी उस साबुन को लेकर घर चली जाती है, और घर जाकर वो जादुई साबुन से मुंह धो लेती है। साबुन से मुंह धोते ही उसका चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है, और वो भी सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरा चेहरा तो सच में गोरा हो गया, और मैं भी खूबसूरत दिख रही हूँ। अब माँ और पिताजी भी मुझे अंजू की तरह प्यार करेंगे, और अंजू भी मुझे प्यार करेगी, फिर हम सब खुशी से रहेंगे। फिर कोमल के माता पिता ने उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखा तो सुजाता बोली, अरे कोमल, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया? तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? माँ, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसी की कृपा से मैं खूबसूरत हो गई, मेरा रंग गोरा हो गया। कोमल के माता पिता और अंजू कोमल की बातों में आ जाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, और समय के साथ साथ कोमल के माता पिता कोमल को भी अब अंजू की तरह प्यार करने लगते हैं। लेकिन अंजू को ये देखकर बहुत जलन होती थी। कुछ तो राज है, मुझे पता लगाना होगा। मैं जानती हूँ कि इसने माँ और पिताजी से झूठ बोला है, मुझे देखना पड़ेगा। और ऐसा ही सोचकर अंजू कोमल के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, कोमल मुझे सच बता दे, मुझे पता है तो झूठ बोल रही है, इसके पीछे कोई और राज है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बताना। हाँ, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अंजू कोमल से झूठ बोल देती है। मैं नदी में आत्महत्या करने जा रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आई और उन्होंने मुझे ये जादुई साबुन दिया। उन्होंने बोला कि इसी साबुन से मुंह धोने से चेहरा गोरा हो जाएगा। क्या सच में? क्या तुम ये साबुन मुझे दे दोगी? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। हाँ हाँ ले लो, लेकिन अंजू कोमल की पूरी बात नहीं सुनती और साबुन को अपने खूबसूरत चेहरे पर लगा लेती है। और जैसे कि परी ने कहा था कि अगर कोई गोरा इंसान इस साबुन को अपने चेहरे पर लगाएगा तो उसका चेहरा काला हो जाएगा, और अंजू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका चेहरा भी काला हो जाता है। अरे कोमल, ये क्या हो गया, मेरा चेहरा तो काला कर दिया इस साबुन ने, मुझे पहले जैसा कर दो। कोमल, अब ये ठीक कैसे होगा? अरे ये कैसे हो गया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उन्हीं परी के पास लेकर जाती हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देगी। फिर कोमल अंजू को नदी के पास ले जाकर परी को याद करने लगती है। तुरंत ही वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है और कहती है, क्या परेशानी है कोमल, बताओ। परी परी, मेरी बहन ने उस साबुन को अपने खूबसूरत चेहरे पर लगा लिया, और आपने बोला था कि अगर कोई भी गोरा इंसान इस साबुन को लगा लेगा तो वो काला हो जाएगा, और मेरी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आप इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, शायद तुम्हारी बहन को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अंजू, तुम्हें अपनी बहन से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन कोमल, मैं तुम्हारी बहन को ठीक तो कर दूंगी, पर मुझे ये साबुन लेकर जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, आप इस साबुन को ले जाइए। लेकिन अगर मैं साबुन को ले गई तो तुम्हारा रंग पहले जैसा काला हो जाएगा। कोई बात नहीं, भले ही माँ मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से अच्छे ज्ञान दिए हैं। खूबसूरती ज्यादा जरूरी नहीं है, इंसान का दिल और सीरत साफ होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। फिर परी अंजू को पहले जैसा कर देती है, और वो जादुई साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है, और कोमल का रंग भी पहले जैसा काला हो जाता है।
दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन आज आपने अपना प्यार मुझे दिखा दिया और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, हर वक्त आपके काले रंग के लिए ताने मारे। अरे मेरी छोटी प्यारी बहन, अब उन सारी बातों को भूल जा और अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ। हाँ दीदी, अब आपको आपके काले रंग के लिए कोई नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा चल बहन, माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ दीदी, चलो चलते हैं। घर पहुँच कर सुजाता देखती है कि कोमल का रंग फिर से काला हो गया और फिर वो कहती है, अरे तू तो खूबसूरत हो गई थी, तेरा रंग फिर से काला कैसे हो गया? शायद तेरी तो किस्मत ही खराब है। और अंजू, तू इसके साथ क्यों घूम रही है? मैंने मना किया है ना तुझे इसके साथ रहने के लिए। माँ आप अपनी सोच बदलिए, आज जो हुआ है अगर मैंने आपको बता दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या हुआ है मुझे भी बताओ। फिर अंजू उसके साथ हुई सारी बातें बता देती है और सच में ये सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास में खड़ा मोहन भी सारी बातें सुन लेता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। मेरी प्यारी बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, तुझे हर वक्त भला बुरा कहा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ मेरी बेटी मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी तो अपने पिता की लाडली होती है, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अब आप इन सारी बातों को भूल जाइए और आज से हम एक नई दिन की शुरुआत करेंगे। हाँ आज से हम सभी नई दिन की शुरुआत करते हैं। और ये देखकर कोमल भी बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई।